एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज जो मैं रेमेडी यूज़ करने वाली हूँ, वैसे काफ़ी लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के जो है गैस कर ही लिया होगा कि आज की जो रेमेडी है, कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को घर बैठे काला कर सकते हैं बिना डाई मेहंदी के, और वो भी कुछ ही मिनटों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी पूछना चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, लिंक दिया है, आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, याद रखिएगा कि आज जो मैं बताने वाली, ये आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, और इसे जो हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो किसी भी एंगल में आप लोगों को हेल्पफुल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और हाँ साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नीचे रेड कलर का, इस तरीके का रेड कलर का, आप इसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकेंगे, जुड़ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए, आज की जो रेमेडी होने वाली है बहुत ही इजी होने वाली है, और आप जो है कुछ ही मिनटों में अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप जो है कुछ ही मिनटों में अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिगो पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि मेहंदी डाई के बिना भी हम अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ जो है आधा चम्मच के बराबर इंडिगो पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। आप इसकी क्वांटिटी को अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो आधा चम्मच के बराबर जो है इंडिगो पाउडर ले रही हूँ, और साथ के साथ आप इसके अंदर देखिएगा, आप इसके अंदर नारियल तेल को भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा जो जेल है उसको भी ऐड कर सकते हैं, साथ के साथ आप ऑलिव ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास ऑलिव ऑयल है, मैं ये भी ले सकती हूँ, और यहाँ पर जो है कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं। पर क्या कीजिएगा, किसी इनमें से किसी एक ही ब्रांड को लीजिएगा, एक ही चीज़ को लीजिएगा, जिससे कि आपके बाल जो है रातों रात काले होने शुरू हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ जो इंडिगो पाउडर लिया है, अब इसके साथ साथ मैं लूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जो है पाउडर। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो एलोवेरा पाउडर ले रही हूँ, एलोवेरा पाउडर में जो है हमें इसकी सेम क्वांटिटी को रखना होगा, आधा चम्मच ही हमें लेनी होगी। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो है एलोवेरा पाउडर ले रही हूँ, सिर्फ आधा चम्मच इन दोनों को लेना है। साथ के साथ हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है नीम ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, नारियल तेल ऐड कर सकते हैं, बट चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नारियल तेल ले रही हूँ इस तरीके का। हमने एक चम्मच के बराबर इसमें नारियल तेल ऐड कर दिया है। अगर आपके पास, जैसे आप लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल, तो आप ये भी सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब देखिए, मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा काला कत्था ऐड ज़रूर करूँगी, देख सकते हैं काला कत्था, इस तरीके का काला कत्था। अगर आप लोगों के पास बाई चांस आपके पास अगर ब्राउन कत्था है तो आप वो भी ले सकते हैं। ब्राउन कत्थे के साथ साथ आप क्या कीजिएगा, उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करने के बाद आप उसे अच्छा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, काला कत्था मैंने ले लिया है, सिर्फ हमें आधा चम्मच ही लेना होगा। और हम इसके अंदर, अगर आपको लगता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हम इसमें मेहंदी ऐड कर सकते, तो जी हाँ, आप मेहंदी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो कोई भी 2 रुपये 5 रुपये का कोई सा भी पाउच है तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आधा चम्मच के बराबर ही मेहंदी भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बालों में सिल्की एंड शाइनिंग आ जाए। अब देखिए, इन सबको जो आपस में मिक्स कर लेना है। आपको लगे अगर गुनगुना पानी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर ऑयल को स्किप करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो है इन सबको आपस में मिक्स कर रही हूँ। और आपको क्या है, मिक्स कब तक करना है, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जिससे कि अच्छे से एक इनकी कंसिस्टेंसी बन जाए, और जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सके, और लंबे समय तक आपके बाल जो है काले हो जाएंगे। चाहे आपकी उम्र 40 है, 50 है, 60, ये सभी उम्र के लोग जो इसको यूज़ कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, कोई एलर्जी नहीं होने वाला है। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये बन चुका है। बस इसी तरीके से आपको इसको बनाना है, लगाना है, और अपने बालों पे 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक अपने बालों पे रखिएगा, और देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आपने इसको बना के जो है अपने बालों पे हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइएगा, तभी आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेगा। और साथ के साथ अगर आपको लगता है, आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सिनेमन पाउडर, जिसे दालचीनी के नाम से जाना जाता है, तो आप दालचीनी के नाम से जो जाना जाता है, इसको भी आप जो इसका हल्का सा पाउडर आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको मिक्स करना होगा।
बस इसी तरीके से इसको बालों में लगाना है, और बालों पर लगाने के बाद तुरंत आप देख सकते हैं आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर दीजिएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम आप कौन सी मेहंदी यूज़ करते हैं, मेहंदी आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई भी पाउच वाली मेहंदी ले सकते हैं, अगर आपके पास जो है नेहा की कोई भी रचनी मेहंदी है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो मैं ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, नहीं, आपको जो है किसी भी जो है कंपनी का भी जो मेहंदी आप यूज़ करते हैं घर पर आप उसको ले सकते हैं, और डेली उसको यूज़ करने वाली चीज़ों को ही आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बस थोड़ा सा इसमें काला कत्था ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी आप लोगों को जो है बेटर रिजल्ट भी मिलेगा और रिजल्ट भी आपके सामने होगा। और इसको अगर लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा नारियल तेल और ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरीके से इसको बनाना है और लगाना है। बस ये हमारी रेमेडी बनके तैयार हो गई है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके अच्छे से दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। बस आप देखिए तुरंत आप इसे बालों पर लगाइए और रिजल्ट आपके सामने। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। देखा आपने, इसे बनाने का तरीका, लगाने का तरीका, सभी चीज़ें बहुत आसान है। कुछ ही मिनटों में आप अपने बालों को काला, लंबा, घना, सुंदर कर सकते हैं। बालों में सिल्कीनेस ला सकते हैं, बालों में जो है ड्राइनेस है, रफनेस है, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे आप लोगों की गर्मियों का सीज़न हो, किसी भी सीजन्स में जो है आप अपने बालों को जो है अच्छा से देखभाल रख सकते हैं। आपको मेहंदी से, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मेहंदी इंडिगो पाउडर यूज़ करने से क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस रेमेडी से, जिस थ्रू मैं बता रही हूँ, बस इस तरीके से जो है अपने बालों पर लगाइएगा और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। वो भी आधे घंटे के अंदर आप अपने बालों को कुछ ही मिनटों में चुटकियों में काला कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अच्छी लगी तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर।